नमस्कार दोस्तों, निरोग जीवन संस्थान के YouTube चैनल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका की मंडी में नरमे की खरीद के संबंधी किसानों की लूट के आरोप लगाए गए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं। इनका कहना है कि सरकारी खरीद शुरू नहीं होने के चलते प्राइवेट व्यापारी किसानों की लूट कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडी में किसी तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। एक बार से यहाँ पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। जी मैं 50 रुपये के भी नहीं नरमा लाया, बोली नहीं लाई जी ने जमा खड़ के किसी ने। की नाम दादा? मेरा नाम इकबाल सिंह, पिंड आजमाला जी। जरा नरमा तुम व्यक्ति लेके आए हो? हाँ जी। किन्ने दिन हो गए तुम इतने बैठे हो? सानू 4 दिन हो गए जी इतने बैठे हो। अच्छा जी, कोई सरकारी एजेंसी नहीं आई इतने खरीदन? कोई सरकारी एजेंसी नहीं आई जी। अच्छा जी, प्राइवेट व्यापारी? प्राइवेट व्यापारी खड़े ने जी ढेरी से। अच्छा। रल के 2 जने ने लाई ढेरी मेरी। अच्छा जी, 2 जने ने ला के मैं बेच देनी, मैं घरे लैके जाना। तो कन्न च फूक मार के मैं बोली लाई है जी, सामने बोली नहीं लाई, वही धक्के लवाई है मनीप ने। अच्छा जी, मैं रोका, मैं नहीं बेचनी ढेरी, मैं आपके घरे लै जाऊंगा, आपे सैंपल लियाऊंगा, सैंपल तो मैं नॉर्मल दूंगा, इन्होंने मैं नहीं दिता है। वो फिर उन्होंने मनीप ने धक्के दे दी, मैंने तो कट के मिली। की रेट भी क्या है? 5900 रुपये, 1700 रुपये जी। 5900 सरकारी पा की है जी? 5400 के उत्ते है, 5450 रुपये जी सरकारी रेट। अच्छा, हम तुम की मांग कर रहे हो सरकार तो? असी तो नहीं, जो सू सरकार ने रेट पता वह तो मिले जी घट्टो घट। 5 दिन हो गए खिलाड़ी खड़े जी नरमा साडा, नुकसान हो रहा है। फाजिलका की नई अनाज मंडी में स्थित कॉटन यार्ड का यह हाल है, जहां पर बिजली के बोर्ड खुले हैं। इसके साथ ही यहां पर गंदगी के ढेर लगे हैं। जगह जगह पर पॉलिथीन बिखरे पड़े हैं। जिस प्रकार से यहां पर पानी का इंतजाम 2 मटके रखकर किया गया है, किसानों में भारी रोष पाया जा रहा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। मेरा नाम प्रगट सिंह, जिला प्रधान किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर। सर की मसला की है जी कॉटन नू लेके? कॉटन का मसला ये है भी CCI दी अजे तक खरीद नहीं आई, जिहड़ी कि 1 अक्तूबर नू आउणी सी। उहदी ना आउण दी वजह, एक दिन वो आए है, एक दिन आके खरीद के उस तो बाद उन्हां दा फिर कोई बंदा नहीं आया। उहदी आउण ना आउण दी वजह ना जिहड़ा व्यापारी है ये नरमे की बहुत लुट कर रहा। 5450 रुपये जिहड़ा सरकारी रेट है, उहदी वजह ना ये 4849 तो वध खरीद नहीं रहा। तो खरीद के पहला खरीद के भी 2 दिन उन्हूं खिलारदा, खिलारन तो बाद 3जे दिन जाके कितने माल तुलदा। तो असी ये जिहड़ा हैगा बहुत इहदी निंदिया करते हैं इस चीज़ की। तो यदि असी मंग ये करते हैं भी माल जिन्ना भी खरीदया जाए, जो व्यापारी माल खरीदता वो शाम की शाम तुले, माल तुलने तो बाद खिलारिया ना जाए। तो शाम की शाम वो तलाई होनी चाहिए है, चाहे आपके जिन्ने मर्जी कंडे लाने, जिन्ने मर्जी है जो कुछ भी मर्जी कर लो, तो व्यापारी माल खरीद के शाम की शाम तुले, ये साड़ी मंग है। तो CCI की खरीद है जी, असी दो चार दिन वेट करा, जेकर 1-2 दिन नहीं आती तो असी भी संघर्ष लड़न मजबूर होवे। एक मिनट दसा जा रहा भी बहुत घट रेट मिल रहा है। हाँ जी, CCI का रेट ज़्यादा है और प्राइवेट कट लै रहे हैं, इन किसान नुकसान किन्ना हो रहा जी? किसान 500 रुपया पर क्वंटल जो किसान नुकसान हो रहा, 500 to 600 रुपया जो किसान नुकसान हो रहा। हूँ तक किन्ना माल वेग गया होगा जी इन्होंने भावों के? हूँ तिकर इन्हों भावों के मेरे हिसाब न घट तो घट भी 3000 क्वंटल के नेड़ तो अंदाजा वेकी गया, इस तो भी ज्यादा भावे वेक गया होट नहीं। तो तुम कोई विरोध नहीं जताया फिर प्राइवेट व्यापारियों को क्यों माल बेच रहे हो? ही मान लो उस दिन तो ही करी जाने मसा विरोध करके ही असी CCI की खरीद लियांदी सी, पर वो लियांदी कि वो एक दिन खरीद करके ते इत्थे मन परचावा किसानां नूं दे के भरोसा दे के भी इस कल नूं सोमवार नूं शनिवार नूं आए आ, एतवार की छुट्टी आ गई भी सोमवार नूं साडा जिहड़ा बंदा इत्थे परमानेंट एक CCI की खरीद वाला आ जाऊगा, उस तो बाद जिहड़ी CCI की खरीद है जे तक
नहीं आई, कोई भी उन्होंने आदमी नहीं आया। फिर तुम कोई सीसीआई के अधिकारियों या फाजिलका मार्केट कमेटी के सैकटरी या डीएमओ साहब नहीं मिले? असं मिले हैं, उन्होंने भी मिले हैं, वह भी कहें भी अज आ जी सवेरे आए, उन्होंने भी फोन से लारा लाई जाते हैं, पर उन्हों का कोई अधिकारी अजे तक नहीं पहुंचा जी। हाँ जी, तुम की कहोगे इस पूरे मसले से? मसले तो बस यही है जी, असं नरमे का जो रेट है जी बहुत ज्यादा किसानों घट मिल रहा है। असं यही कहने जी हबोर के रेट जब सीसीआई आई खड़ी है, फाजिलका क्यों नहीं आ रही? फाजिलका दे विच्चे एक दिन आए है, एक दिन आके इन्होंने रेट चैक किया, इन्होंने आदा मूचर मच्छर वो कहते 8 तो लैके असं 12 पॉइंट तक लाँगे। अच्छा जिमीदार का कोई माड़ा मोटा सलाबा होंगे, कोई होर होंगे, एक सारे दिन एक ट्राली उन्होंने खरीद की 10-12 क्विंटल मसा सी, उस तो बाद सवेरे असं आ जाएंगे, असं खरीद चालू कर लेंगे। अजे तक कोई नहीं सी आ जाए। किन्ने दिन हो गए जी ये खरीद करनी आए अधिकारी? ये अच्छा चौथा दिन है जी वैसे। अच्छा जी, चौथा दिन है वैसे, पहला भी असं आवेंगे, असं अजे तक पहुंचे नहीं। पहला जरा जिमीदारा लुटी जाते हैं दुकाना से, पहला 4-4 दिन 5-5 दिन नरमा सिखाई जाते थे, हूँ भी उही हाल है। असं सैकटरी साहब लिखती रूप से दे गए भी जोड़ा नरमा तुल जे वेख जे वो शाम तुलना चाहिए। नंबर दूजा ये अजे भी वो कोई सुनाई सटी नहीं हुई, 3 दिन हो गए, वो 3 दिन रोली जाते नरमे। हम की मांग कर रहे हो? मांग तो यही कर रहे जी, जो सा हो गया ठीक है, ना हो जी तो अभी वो तो वो कट करके आपका धरना लाऊंगे जी। बाकी बठिंडे साडा सीसीआई खतर बठिंडे धरना लग रहे जी। मेरा नाम जी प्रेम चंद है, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर का वफादार सिपाही हाँ, और असी अज इत्थे फाजिलका दाणा मंडी दे जिला दफ्तर के सामने खड़े हाँ। तो साड़ी इत्थे जिहड़ी नरमे दी है वो सरकारी बोली सीसीआई वल्लों ना होण करके साड़ी जिहड़ी है वो खुली लुट हो रही है। ये प्रशासन जिला अधिकारी तो मार्केट कमेटी संबंधित जोड़े मंडी बोर्ड के अफसर ने वो सीधे तौर पर मिल गए ने, और इन्होंने सरकारी बोली एक दिन हुई है सिर्फ, उस तो बाद हुण प्राइवेट जोड़े व्यापारी हो अपनी मन मर्जी के नाल लुट करी जाते हैं। असी ये मांग करते हैं सरकार को जिला के जोड़े अहदेदार जोड़े ऑफिसर सवान ने उन्होंने असं बेनती करते हाँ कि कानून के मुताबिक साड़ी जड़ी है रोजाना बोली होवे, शाम की शाम जड़ा वो साड़ा किसानों का नरमा जड़ा है वो विक जाए। जेकर ये जड़े सरकार दे सरकारी अफसर ते जड़े मंडी बोर्ड के संबंधित जड़े मुलाजम ने या अधिकारी ने बाज ना आए इन्हां करतूतों तो असी जिहड़ा नैशनल हाईवे रोक लाँगे। इहदे विच कोई शक नहीं, किसान बहुत तंग होए पए ने, किसान पहलां ही जिहड़े खुदकुशियां करन नूं मजबूर होए पए ने, ते सानूं प्रशासन होर ज़्यादा मजबूर ना करे। मंडी में किसानों की हो रही लूट तथा यहाँ पर समस्याओं के चलते आज भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धपुर द्वारा एक मांग पत्र फाजिलका मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जगरूप सिंह को भी सौंपा गया। हमने इस संबंधी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जगरूप सिंह से भी बातचीत की। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं फाजिलका मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जगरूप सिंह से, विधिक्त आपसे जानकारी दे रहे हैं, आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सैकटरी साहब मंडी का सीजन शुरू हो गया, नरमे दिन नू लैके इस बार किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है? किसान भरा TMC च नरमा लिया रहे हैं, साड़ी मार्केट कमेटी वालों पानी का प्रबंध तो छां का प्रबंध, बिजली का प्रबंध, और उत्थे जो अग लगन तो डर है उहदे वास्ते फायर सिस्टम का भी असीं प्रबंध किया है जी। सर परचेज किस तरह चल रही है, सरकारी खरीदा जा रहा है कि प्राइवेट खरीदा जा रहा है? प्राइवेट भी खरीद रहे हैं और सरकारी भी खरीद रहे हैं। सर की रेट है सरकारी? 5450। केड़ी एजेंसी सर खरीद कर रही है? सीसीआई। सर किसानों का आरोप है कि सीसीआई वालों एक दिन ही परचेज की कि मुड़ के नहीं आई एजेंसी जी, उन्होंने स्टाफ की कोई प्रॉब्लम थी, आगे तो आ रहे हैं जल्दी वो कराउंगे। नाल भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर वालों आरोप लगाया जा रहा है भी व्यापारी लोटर कर रहा है, किसान की पा कट दे रहे हैं। अजे तक मेरे कोई शिकायत नहीं है, जो कोई शिकायत आई तो इसमें मैं पूरा हल करावांगा। नहीं उन्होंने कहना कोई मांग पत्र दिता गया जी? मैंने ये कोई मांग पत्र नहीं दिता गया।
सर अगर मंग पत्र मिलता तो की एक्शन लो मैं उन्होंने व्यापारियों से पूरी कसांगा उन्होंने रेता भी करूंगा जारी।